मुजफ्फरनगर मंडी कोतवाली क्षेत्र में ट्रक लूटकर भाग रहे बदमाशों का कोतवाली पुलिस ने पीछा कर शामली रोड पर पिंडला गांव बाईपास पर बदमाशों को घेरने का प्रयास किया। खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। पुलिस के जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी जबकि दूसरा बदमाश फरार होने में कामयाब रहा। फरार बदमाश की तलाश में चरतावल कोतवाली पुलिस ने जंगलों में घंटों कैंपिंग की लेकिन बदमाश पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया। मुठभेड़ के दौरान दरोगा गोली लगने से घायल हो गया। दोनों का जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से लूटा हुआ ट्रक व तमंचा भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। आपको बता दें कि सवेरे 3 बजे के लगभग दो बदमाश मंडी कोतवाली के गांधी कॉलोनी से ट्रक चालक को चाकुओं से घायल कर ट्रक लूटकर फरार हो गए थे। वायरलेस पर घटना प्रसारित होने पर तीनों थाने की पुलिस बदमाशों के पीछे लगी। दोपहर को मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने ट्रक ले जा रहे बदमाशों का पीछा कर पिंडला बाईपास पर घेर लिया। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी जिसमें कोतवाली में तैनात दरोगा सुनील कुमार घायल हो गया। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश दिलशाद पुत्र नौशाद गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश का साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। टाइम स्टोरी के लिए मुजफ्फरनगर से दीपक वत्स की रिपोर्ट। आज सुबह करीब 3 बजे मंडी थाना क्षेत्र में एक हेल्पर को चाकुओं से बुरी तरह गोद के एक ट्रक लूटने की सूचना थाना मंडी पर प्राप्त हुई थी। तभी से पूरे जिले की पुलिस सक्रिय थी क्योंकि गंभीर घटना थी। अभी करीब 3 बजे के करीब कोतवाली पुलिस को ये सूचना मिली कि एक संदिग्ध ट्रक, क्योंकि इसका नंबर एग्जैक्ट नंबर नहीं आया लेकिन HR 33 करके कुछ नंबर आया, ये काफ़ी तेज़ी से वेहलना से इधर जा रहा था पिंडला की तरफ। इस सूचना पर कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी करी, उधर से चरथावल पुलिस भी आई। कोतवाली पुलिस ने इसका पीछा किया, इसके द्वारा ट्रक को पूरी तरह से चलाया गया, बड़ी तेज़ी से और बड़ी लापरवाही से चलाते हुए इसे जब रोकने का प्रयास किया, ये जो इसमें बदमाश थे वो कूद के भागे पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए। पुलिस ने भी अपनी आत्मरक्षा में फायरिंग की है जिसमें एक बदमाश पे गोली लगी है। ट्रक जो रात में लुटा था वो बरामद हो गया है। इस बदमाश के पास से भी एक तमंचा, कंटीमेट पिस्टल और बहुत से कारतूस इससे चले हुए और खोखे कारतूस बरामद हुए हैं। एक इसका साथी भागने में सफल रहा है, पुलिस ने कॉम्बिंग की है, अभी नहीं मिल पाया है, अभी उसके बारे में और डिटेल बातचीत इससे की जाएगी। सहारनपुर के तीतरों में ग्रामीणों ने राशन डीलर पर तानाशाही के आरोप लगाकर कार्यवाही की मांग की है। आरोप लगाने वाले ग्रामीणों ने राशन डीलर ऋषिपाल पर ग्राहकों से रुपए की मांग राशन वितरण को लेकर गड़बड़ी व तानाशाही जैसे आरोप लगाकर कार्यवाही की मांग की। आरोप लगाने वाले ग्रामीणों का राशन डीलर पर यह भी आरोप है कि वह राशन का वितरण गलत तरीके से किसी रिश्तेदार से करा रहा है। ग्रामीणों के आरोपों के बाद सवाल और निशान उभर कर यह भी सामने आ रहा है कि क्या वाकई में ही आरोपी राशन डीलर द्वारा तानाशाही की जा रही है, जिसका जांच के बाद ही पता चल पाएगा। क्राइम स्टोरी के लिए सहारनपुर के तीतरों से कैमरामैन सलमान खान के साथ संवाददाता अब्दुल्ला पठान की रिपोर्ट। कोटा लेने जाता हूँ तो मिलता नहीं और वो कहता है सारा लिस्ट मुनामी नहीं है, जवाब दे सकता है वो मैं वापस करता है, कभी ना नहीं देता ना नहीं कहता नाम लिस्ट नहीं है ना उसे कार्ड ऋषिपाल ऋषिपाल है। तो आपको जब जाते हो ऋषिपाल मिलता है वहाँ पे या कोई और मिलता है? और कोई मिला है, कभी वो मिला कभी नहीं मिलता भाई। जब भी नाज लेने जाते हैं तो कभी तो करता है और उसको भेजो हुकुम लगा दीजिए फलाना करना, कभी पर्ची दे दे कभी जा कभी नहीं निकलते तो वो इन्हें वापसी भेज दे। अच्छा जी कोटा इतनी दूर है तो और जाते हैं वहाँ की बहुत दिक्कत हो जाती है हुकुमों से गाँव का आखिर माँ बिल्कुल आधे गाँव से उधर से भी पर ढेर ज़्यादा करे है जाने में दिक्कत हो। अच्छा भाई और बहुत की शिकायती हुई है कि जो नाज नहीं देता जो आप किसी भेजे किसी के यूनिट 8 है उसे 6 का दे दिया, किसी के 9 है उसे 5 का दे दिया, जो सबसे बच्ची वो करवाए बांटता नहीं कोटा इसी पाल के नाम है और दूसरे आदमी कोटा बांटते हैं किसी को कह दिया कि थर तेरा तो यहाँ ऊपर चिन्ह कर ली और 22 तारीख को आई हो किसी को 24 तारीख को किसी को कुछ नहीं कह दिया टालता है। कोटा वाले का नाम ऋषिपाल है तो ऋषिपाल जी मिलते नहीं आपको? नहीं मिलता नहीं मिलता वो तो वहाँ जूते घंटों जा बैठ गए यहाँ से बाजार में बीच में ऋषिपाल का कोटा है वो एक राजेश नाम का आदमी चलाता है ऋषिपाल वहाँ नहीं करता मतलब 5-3 रुपये किलो या 2 रुपये किलो का रेट है वो 5 रुपये किलो रेट लोगों को देता है और बिल्कुल गांव का आखिर में है
और आते लोगों को तो ये भावना भर के आप पर वो सा नुकसान वापस भेज देता है और किसी को अनाज नहीं देता, किसी को कभी कोटा नहीं देता, एक दो दिन कोटा बांटता है और लोगों को कार्ड फेंक के भाग जाता है, कार्ड फेंक कर भाग जाता है कि कोटा खत्म नहीं होगा, हमारे पास कोई कोटा नहीं, पैसे ज़्यादा लेता है औरतों को धक्के मार के जो करता है, बहुत परेशानी है कि किसी के पास कार्ड नहीं, कार्ड भी हाथों में नहीं हुआ। सूर्य के पर्व पर मकर संक्रांति को लेकर आज जगह जगह धूम है। हवन यज्ञ, सूर्य नमस्कार, गंगा स्नान को लेकर गंगा के घाट पर भीड़ है। जगह जगह खिचड़ी का आयोजन किया गया, जिसमें अमीर गरीब सबने एक जगह खिचड़ी का लुत्फ उठाया। मकर संक्रांति पर कुछ लोगों ने कंबल वितरण, फल वितरण के कार्यक्रम भी किए। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गरीब लोगों को खिलाने से ऐसा करने वाले को सुख शांति की वृद्धि होती है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का पकवान बनाया जाना बरसों पुरानी रीत है, जो आज भी अपना खास महत्व रखती है। मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तराखंड की शान गढ़वाली गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने गीतों से सबका दिल जीत लिया। क्राइम स्टोरी के लिए रुड़की से मिक्की जैदी की रिपोर्ट। अब कार्यक्रम ये मकर संक्रांति का बड़ा पवित्र पर्व है और इसमें रुड़की में अब मुझे आमंत्रित किया गया है संचालन और श्री गणी यहाँ पर हम लोग आए और कार्यक्रम बहुत कम कार्यक्रम दे पाते। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।